एक कंपनी इटली की है जिसका नाम है ऑगस्टा वेस्टलैंड। उसकी पेरेंट कंपनी का नाम है फिन मैकेनिका। अभी उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया है और नाम चेंज करने के कई लोग माहिर हैं, पर वो इटली के उनके दोस्तों को भी नाम चेंज करने की आदत पड़ गई है। उन्होंने नाम चेंज कर दिया है लियोनार्डो स्पा। ये कंपनी को प्रधानमंत्री जी ने कहा, और मैं कोट करता हूं, पीएम कॉल्ड दिस कंपनी एज ए करप्ट कंपनी। करप्ट का मतलब भ्रष्टाचारी कंपनी है ये। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं, हमारे नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी के। देश के गृह मंत्री जी ने बोला ये कंपनी बोगस कंपनी है। होम मिनिस्टर श्री अमित शाह कॉल्ड दिस कंपनी एज ए बोगस कंपनी। किसी और के नहीं, देश के गृह मंत्री के शब्द है। भूतपूर्व डिफेंस मिनिस्टर स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर जी ने कहा कि इस कंपनी ने भरपूर भ्रष्टाचार किया, ब्राइब्स दी और ब्राइब्स ली। और ये कोई आम जगह पर नहीं बोले, संसद में खड़े होके ये भूतपूर्व रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी का स्टेटमेंट है। हुआ क्या, ये इन सब कथनों के साथ एक ये एक साइड ऑफ स्टोरी है। दूसरी साइड ऑफ स्टोरी एक और चल रही है। 2014 में सत्ता में आते ही सबसे पहले तो जो हमने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया था, उस ब्लैकलिस्ट को हटाया। और अब इस कंपनी के ऊपर से प्रोक्योरमेंट बैन हटा दिया सरकार ने। मतलब खूब खरीदो इन माल इस कंपनी से, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा भ्रष्टाचारी, गृह मंत्री ने कहा बोगस, देश के रक्षा मंत्री जी ने संसद में खड़े होकर कहा कि ब्राइब्स एंड करप्शन का पर्याय है ये कंपनी। उस कंपनी के ऊपर से प्रोक्योरमेंट बैन हट गया। और ये अचानक से नहीं हुआ है,